घर बैठे ही आप भी आगे सर्विस, हमें पता लगा था फेसबुक से कि ये न्यू सर्विस स्टार्ट की है गवर्नमेंट ने, तो उस पर नंबर मेंशन था 1800-180-13327। तो हमने फिर कॉल किया था उस पर, तो फिर सर जी आ गए थे हमारे पास घर पे, और उसके बाद उन्होंने हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने केथल से सरल दूत सर्विस की लॉन्चिंग की है। इसमें हम सारे ही डिपार्टमेंट्स की जितनी भी पब्लिक से रिलेटेड सर्विस हैं, जैसे म्यूनसिपलिटी की मैरिज रजिस्ट्रेशन की हो गई, बर्थ सर्टिफिकेट का हो गया, या फिर रेवेन्यू की सर्विस हो गई, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है, तो अभी हमने 29 सर्विस को टारगेट किया है। होपफुली आने वाले टाइम में हम सभी तरह की सर्विस को इसके अंदर टारगेट करेंगे। इस सर्विस के अंदर आप हम गवर्नमेंट की ओर से एक नंबर लॉन्च करते हैं, टोल फ्री सर्विस भी है और मोबाइल नंबर भी है। मॉर्निंग 8 to evening 6 तक फ़िलहाल हम ये टाइमिंग रख रहे हैं, ज़रूरत पड़ने पर इसको बढ़ा दिया जाएगा। तो इसके अंदर आप घर बैठे जो भी आपको सर्विस चाहिए, आप हमें एक मैसेज ड्रॉप कर दें कि मेरा ये नाम है, ये एड्रेस है, मुझे ये सर्विस चाहिए। हमारा पर्सन आपसे टाइप कर लेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए आपके घर पर आएंगे, आपका डॉक्यूमेंट्स जो भी है रिक्वायर्ड है वो चेक करेंगे, वो आपसे लेंगे, एंड जो भी सर्विस आपको चाहिए वो आपके डोर स्टेप पर डिलीवर करेंगे। ये विद इन RTS का जो टाइम लिमिट है इसके अंदर, तो इसमें कस्टमर या जो भी बेनिफिशियरी है उसको भी सहूलियत रहती है कि उसका जो टाइम भी बचता है। प्रॉब्लम कई तरह की होती हैं, खुद अगर जॉब में है तो एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकाल पाता है, तो वो सारी चीज़ों की बचत भी होती है। प्लस हम इसको आगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे इसको लेके जाएंगे, तो इसमें प्राइवेट जो सेक्टर के लोग हैं उनको भी काफ़ी जॉब मिलेगा। और हमारे ऑफिस में जो रस की प्रॉब्लम है, अभी पिछले 2-3 साल में जैसे कोरोना का टाइम था तो उस वक्त बड़ी दिक्कत थी कि आप भीड़ को कैसे मैनेज करें, तो वो सारी चीज़ें भी शॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो होपफुली ये सर्विस है सक्सेसफुल रहेगी। कैथल के लोगों से अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सर्विस का लाभ उठाएं। बहुत ही मेहनत के साथ में हमारे DIO साहब ने इस ऐप को तैयार किया है, एंड होपफुली जितनी भी सर्विस अभी तक हम लॉन्च की हैं 100% हम डोर स्टेप पे विद इन टाइम लिमिट डिलीवर करेंगे, एंड आपको ऑफिस में आने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैडम ये शहरों में है, सिर्फ शहरों में है, गांव में भी है? अभी हमने जो स्टार्ट किया है तो अभी कैथल का जो म्यूनसिपल लिमिट है उसी से स्टार्ट किया है, धीरे धीरे हम उसको पूरे रूरल एरिया के अंदर भी एक्सपेंड करेंगे। इसका पर्पज़ ये है कि जो भी बेनिफिशियरी है उसको घर बैठे किसी भी टाइम स्लॉट में जिसमें वो कम्फर्टेबल है वो सर्विस मिल जाए। सपोज किसी को मेरिज सर्टिफिकेट बनवाना है, उसका 9 to 5 का जॉब है, उसके पास मॉर्निंग 8 to 9 का टाइम ही बचता है, लेकिन 8 से 9 मेरा ऑफिस तो नहीं खुलता है, लेकिन हमने ये जो सर्विस लॉन्च की है इसमें 8 बजे ऑपरेटर आपके घर पे आ जाएगा, आपसे डॉक्यूमेंट ले लेगा, नेक्स्ट डे या फिर जो भी RTS का जो टाइम लिमिट है उसके अंदर उसी टाइम लिमिट में जिस को आप सेलेक्ट करेंगे, सपोज आपको शाम को 5 से 6 का टाइम कंफर्टेबल लगता है, या आफ्टरनून में आपको लंच टाइम 1 से 2 का कंफर्टेबल लगता है, उसी में आपके घर पे आके डिलीवर कर जाएगा। इसमें आपको जो गवर्नमेंट ऑफिस में जाना है, किस डेस्क पे जाना है, किससे मिलना है, अभी फाइल किस स्टेज पे अटकी हुई है, वो सारी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हसल फ्री सर्विस विद इन टाइम लिमिट आपके डोर स्टेप पर मिल रही है। ये हमारा उद्देश्य ये है कि सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं, जितनी भी सर्विस हैं, वो आपके पास बहुत ही सहूलियत के साथ में पहुँच जाए। इसके लिए हमारा ऑपरेटर जब इनका रजिस्ट्रेशन करेगा, सपोज आपको कोई सर्विस चाहिए, आप हमको व्हाट्सअप करते हैं या फ़ोन करते हैं, तो हमारा ऑपरेटर पूछेगा आपको कौन सी सर्विस चाहिए, देन हमारे साइट पे भी वो चीज़ अवेलेबल है कि आपको मेरे सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको ये डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, फ़ोन पे भी बताएंगे कि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, फिर वो आपके यहाँ पे आता है। तो सपोज अगर कोई डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है तो वो आपको बताएंगे यहाँ पे आके कि आपको ये डॉक्यूमेंट रेडी रखना है, वो रेडी नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट रेडी भी करवा के देंगे आपको। सपोज आपके पास रिहायशी प्रमाण पत्र नहीं है तो वो भी बनवा के देंगे, उसके बाद में आपका मेरिज सर्टिफिकेट बनाना है वो भी आपको डोर स्टेप पे ही बना के देंगे। सरकार क्या सोच है इसके पीछे? जनता की सहूलियत, सोच हमारी जनता की जो है, इसके लिए हमने 2 मोड तैयार किए हैं, जैसे कि उपयोग के मार्गदर्शन में। इस मोड में पहला मोड तो है जो IT सेवी यूज़र हैं वो अपना saraldoot.ecathal.in पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं कि मुझे ये सर्विस चाहिए, वो सर्विस चूज़ करेंगे और अपना टाइम स्लॉट सेलेक्ट करेंगे, ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड वो हमारे पास बुकिंग हो जाएगी और उसके पास मोबाइल के ऊपर OTP आएगा।
कि आपका जो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, उस OTP वो एक किस्म से उसका आइडेंटिफिकेशन कोड होगा, फिर जो स्लॉट उन्होंने डिमांड किया। दूसरा जो मोड है हमारे पास वो है फ़ोन लाइन, और फ़ोन लाइन हमारे दो नंबर हम लॉन्च किए गए हैं जिला प्रशासन के द्वारा, 1800 180 1332 जो कि टोल फ्री है, और एक मोबाइल नंबर भी है 9999375500। तो इन दोनों नंबर से वो कोई भी अपना कॉल मैसेज दे सकता है कि मुझे ये सर्विस चाहिए। वहाँ हमने हेल्प डेस्क ऑपरेटर लगाए हुए हैं, वह उनसे टेलीफोनिक क्वेरी करेंगे और उनकी जो भी रिक्वायर्ड सर्विस की डिमांड है वह उसके बारे में हेल्प भी करेंगे। भी जैसे कि मैम ने बताया कि मान लीजिए मुझे रेजिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए या एक ये सेवा चाहिए, तो उस संदर्भ में जो भी डॉक्यूमेंट्स वो है कि आप अपने पास घर पे रेडी करके रखिए, और फिर हमारा जो सरल दूत है जो टीम है हम उस टीम को अलॉट कर देंगे। वो टीम जो है स्पेसिफिक जो सिटीजन के द्वारा डिमांड की गई है टाइम स्लॉट की, उस समय पहुंच के सर्विस उसको देगा और हेल्प भी करेगा। अगर डॉक्यूमेंट उसके पूरे नहीं है, कहीं सर्विसेज में हमें सत्यापित करने म्यूनसिपल काउंसिलर से सत्यापित करने की जरूरत पड़ती है, तो उस केस में उनको फाइल प्रोवाइड की जाएगी, वो अपना ड्यूरिंग द टाइम पीरियड उसे सत्यापित करवा के रख सकते हैं। फिर हमारा दोबारा हम उसके टच में रहेंगे क्योंकि उसकी सर्विस पूरी नहीं हुई अभी, फिर दोबारा हमारा जो सरल दूत दोबारा विजिट करेगा और उसकी सर्विस को पूरा करते हुए घर के बैठ के ऊपर ही हमने अपनी टीम को IT इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करवा दिया है कि जो घर में जाके वहाँ पे मतलब लैपटॉप के माध्यम से वहीं करेंगे विद वेब कैमरा। अगर कोई भी पिक्चर वगैरह की जरूरत पड़ती है तो कहीं भी किसी को लाने की जरूरत नहीं है। तो ये जिला प्रशासन आपके द्वार जो है, ये योजना जो है, तो ये लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगी। हाँ जी बिल्कुल रहेगी, ज़्यादा उम्मीद है क्योंकि अभी जब सरल केंद्र पे काफ़ी लोग आते हैं और वहाँ पे लोगों को वेट भी करनी पड़ती है, और कई बार जो सबसे मेन उसमें होता है कि उनके पास डॉक्यूमेंट उस समय पूरे नहीं होते, तो एक उस समय तो वो पूछताछ करके जाते हैं मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए, तो हम एक तो उसकी वो विजिट भी बच गई, फिर दूसरी विजिट जो वो दोबारा वो विजिट करता है अपने डॉक्यूमेंट पूरे करके आता है फिर उसकी विजिट बच गई। तो कम से कम उसको अब उसको घर पे आना है, और फ़ोन पे के माध्यम से हमने जो saraldoot.ecathol.in है इन जो 29 सर्विस लॉन्च किया उनका सभी का हमने स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर्स है क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो वहाँ से भी देख सकते हैं। विद सभी सर्विस के जो फॉर्म्स हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स मोड में अवेलेबल है, वो वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने, ताकि हमारे ऑपरेटर के विजिट करने से पहले ही वो अपनी जो है फॉर्म फिल करके रख ले, और ताकि उनका भी समय उस समय बचे और जो सरल दूत है उसका समय भी बचे। ये मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। इसकी फीस वगैरह कैसे कटेगी सर? इसकी जो सरकारी फीस है वो तो ऑनलाइन फीस कटेगी जी, ये हमारे DPRO के माध्यम से हमने वो प्रचार किया जा रहा है। हम लास्ट 15 डेज से इसका रेगुलर प्रचार कर रहे हैं, सोशल मीडिया जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किया उसके माध्यम से प्रचार किया गया है, और फिर हमने जगह जगह जो है वार्ड के एंट्रीज पे भी उपायुक्त महोदय के आदेश के अनुसार फ्लैक्स बोर्ड लगाएंगे और लोगों को सुविधा देंगे।